आज की क्लास का हमारा टॉपिक होने वाला है होलकर रियासत। बट होलकर रियासत को पढ़ने से पहले हम पूरा का पूरा बैकग्राउंड देखेंगे कि आखिर होलकर रियासत का एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ। तो होलकर जो है वो बेसिकली किसकी ब्रांच हुआ करते थे? मराठास की ब्रांच हुआ करते थे। प्रीवियसली क्लासेस में हमने देखा है कि मराठास जो है वो कॉन्फेडरेसी में हुआ करते थे, संगठन में, और अलग अलग जगह पे इनकी अलग अलग ब्रांचेस जो हैं वो हुआ करती थी, जिसके चलते मराठाओं की एक ब्रांच आपने इंदौर में देखी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? होलकर के नाम से जानते हैं। मराठा में जो मेन पोजीशन होती थी पेशवा की, वो पेशवा कहाँ बैठता था? महाराष्ट्र पुणे में बैठता था। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो नागपुर में आपको कौन देखने को मिलेंगे? भोसले देखने को मिलेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर गुजरात बड़ौदा में कौन देखने को मिलेगा? गायकवाड़ देखने को मिलेंगे। ग्वालियर में कौन देखने को मिलेगा? सिंधिया। एंड यहाँ पर इंदौर में हम किसे देखेंगे? होलकर्स को देखेंगे। तो आखिर हम देखेंगे कि मालवा के अंदर यहाँ पर जो मराठास हैं उनका राइज कैसे हुआ, इसकी क्या स्टोरी है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर राइज ऑफ मराठा की, कि एमपी में कहाँ से ये कनेक्ट होता है, तो इसकी शुरुआत जो है वो तो आपको छत्रपति शाहू जी के टाइम पीरियड से ही देखने को मिलेगी। मराठा मेनली जो है वो कहाँ बैठते थे? महाराष्ट्र में बैठते थे। बट अगर हम बात करें इनके इनकम के सोर्सेस क्या होते थे, तो ये कुछ पर्टिकुलर टैक्सेस वसूल करते थे। याद है किसी को कौन से दो फेमस टैक्सेस हुआ करते थे मराठाओं द्वारा लिए जाने वाले? यस, वेरी गुड। फर्स्ट वन इज चोथ एंड सेकंड वन इज सर देश मुखी। तो मराठाओं द्वारा लिए जाने वाले ये दो इंपॉर्टेंट टैक्सेस हुआ करते थे। अब अगर हम बात करें चौथ क्या होता था, तो जो भी यहाँ पर टोटल रेवेन्यू होता था उसका 1/4 पार्ट जो है वो किसके द्वारा लिया जाता था? मराठाओं के द्वारा लिया जाता था। और अगर हम बात करें यहाँ पर सरदेशमुखी की, तो एडिशनल 10% टैक्स यहाँ पर मराठा लोग जो है वो वसूलते थे। और रीज़न ये होता था कि बदले में हम आपको जो है दूसरों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो एज अ सिक्योरिटी टैक्स यहाँ पर कौन सा टैक्स लेते थे? सरदेशमुखी लिया जाता था। अब मराठाओं में अगर हम देखें तो छत्रपति शाहू जी के टाइम पीरियड से ही इन्होंने मालवा के अंदर इंटरफेरेंस जो है वो स्टार्ट कर दिया था। अभी मैं यहाँ पर पेशवा बाजीराव फर्स्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि उन्हीं के टाइम पीरियड से ये लोग बार बार यहाँ आते थे और टैक्स वगैरह जो है वो वसूल करते थे। बट आखिर पहली बार इसकी ऑफिशियली शुरुआत कहाँ से हुई? तो शुरुआत की अगर हम बात करें तो सबसे प्रोमिनेंट पेशवा जो आया था मराठाओं में उसका नाम क्या था? पेशवा बाजीराव फर्स्ट। क्या नाम था? पेशवा बाजीराव फर्स्ट। दो नाम आपको याद रखने हैं बच्चों की। अगर हम बात करें पेशवा बाजीराव फर्स्ट की, तो इसे रियल मैप मेकर ऑफ मराठास बोला जाता है। कि मराठाओं का मैप अगर किसी ने ड्रॉ किया था, मराठाओं को मराठा किसी ने बनाया था, तो वो कौन था यहाँ पर? बाजीराव फर्स्ट। और मराठाओं को एंड करने वाला, उनका पतन करने वाला कोई था तो वो था बाजीराव सेकेंड। तो ये दो चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। तब शुरुआत कहाँ से हुई, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर आपको मेन पेशवा देखने को मिलेगा जिसका नाम रहेगा बाजीराव फर्स्ट। तो इन्होंने मालवा के अंदर यहाँ पर एंट्री ली थी। महाराष्ट्र से जब भी कोई ऊपर नॉर्थ की तरफ घुसता है तो एमपी के अंदर, जिसको सदर्न गेट ऑफ एमपी बोला जाता है, वो कौन सी जगह है? बुरहानपुर, या फिर आप उसे असीरगढ़ के नाम से भी बोल सकते हो। और इसे दक्षिण का द्वार भी बोला जाता है, या मध्य प्रदेश में अगर किसी को सदर्न पार्ट से एंट्री लेनी हो तो कहां से होती है? बुरहानपुर से होती है। तो यहाँ से पेशवा बाजीराव फर्स्ट ने जो है मालवा की तरफ एंट्री ली। अब क्या लेने के लिए इन्होंने एंट्री ली, तो सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा कि फरवरी 1723 के अंदर इन्होंने यहाँ पर एंट्री ली, एंड कुछ ही महीने बाद मई 1723 के अंदर यहाँ पर इनकी एक रूलर से फाइट होगी जिसका नाम हुआ करता था दोस्त मोहम्मद। कौन है दोस्त मोहम्मद? फाउंडर ऑफ भोपाल। वेरी गुड। तो सबसे पहले मराठाओं की फाइट अगर किसी से हुई तो उसमें आपको देखने को मिलेगा दोस्त मोहम्मद से हुई, जब पहली बार पेशवा बाजीराव फर्स्ट ने एमपी के अंदर यहाँ पर एंट्री ली थी। कहाँ से एंट्री ली थी? बुरहानपुर से एंट्री ली, यहाँ पर एंट्री ली, और एक तरीके से मराठास जो हैं इसमें विक्टोरियस ही साबित हुए। अब उसके अलावा क्या हुआ, तो फिर आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि अब पेशवा बाजीराव फर्स्ट जो रहेंगे वो अलग अलग एक्सपीडिशन, अलग अलग अभियान करेंगे, जिसके चलते 1728 में उनका दोबारा मालवा में आना होगा। अब ऐसा क्या हुआ था, तो ये बात थी कि मालवा में आपको यहाँ पर एक मुगल सोल्जर देखने को मिलेगा, मुगल सूबेदार देखने को मिलेगा। इट मीन्स मालवा में अगर मैं बात करूँ तो अभी कौन बैठा हुआ है? मुगल्स बैठे हुए हैं। ये बात समझ में आई? ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 1728 की, तो 1728 के अंदर मालवा वाले रीजन में आपको मुगल्स देखने को मिलेंगे, और मुगल्स में एक सूबेदार बैठा हुआ था जिसका नाम क्या था? खान बंगश। ये जो खान बंगश नाम का आदमी था बहुत ही अपना डर यहाँ पर फैला रखा था, उसी के चलते उसने नियर बाय में आपको एक जगह देखने को मिलेगी जिसका नाम क्या है? बुंदेलखंड।
ये बुंदेलखंड के अंदर एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा छत्रसाल। क्या नाम था? राजा छत्रसाल। उनके हिस्ट्री भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो मुगल सूबेदार हुआ करता था जिसका नाम था खान बंगश, इसने अटैक किया था बुंदेलखंड पे। कहाँ अटैक किया था? बुंदेलखंड। और उस समय वहां के राजा कौन थे? राजा छत्रसाल। एज अ रिजल्ट राजा छत्रसाल जो हुआ करते थे उन्हें यहाँ पर हेल्प की जरूरत थी। अब किससे मदद मांगी जाए? तो उन्हें समझ में आया कि नीचे दक्षिण में साउथ की ओर एक बहुत ही बड़ा एम्पायर फैला हुआ है जिसे हम मराठा एम्पायर के नाम से जानते। तो यहाँ पर जो बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल हुआ करते थे इन्होंने एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा। और वो पत्र किसको लिखा? यहाँ पर पेशवा बाजीराव फर्स्ट को। पेशवा बाजीराव फर्स्ट को एक लेटर लिखा और उसमें मेंशन करा कि यहाँ पर जो है मुगल सूबेदार ने अटैक कर दिया है और हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। और उसी के रिलेटेड 1728 में पेशवा बाजीराव फर्स्ट दोबारा मालवा की तरफ यहाँ पर बढ़ेंगे और यहाँ पर इसको क्या कर देंगे? हरा देंगे। तो यहाँ पर एक तरीके से फाइट हुई मुगल वर्सेस मराठास, जिसमें किसकी जीत हुई? मराठाओं की जीत हुई। और यहीं पर राजा छत्रसाल के दरबार में हुआ करती थी मस्तानी बाई, वही आपने मूवी देखी है बाजीराव मस्तानी। तो ये इनका पहला एक्सपेडिशन रहा, पहला अभियान रहा जो एमपी के अंदर टोटली सफल रहा। अब उसके बाद और क्या हुआ? तो फिर आपको देखने को मिलेगा कि भविष्य में 1728 से 29 अगले ही साल एक बैटल और होता है जिसे आप किस नाम से जानते हो? बैटल ऑफ अमझेरा। क्या नाम है? बैटल ऑफ अमझेरा। ये जगह कहीं विदेश में नहीं आती है, आपके धार में ही आती है मध्य प्रदेश के अंदर। तो अमझेरा नाम की जो जगह है वो कहाँ आती है? धार में आती है। कुछ पढ़ा है इससे रिलेटेड पहले? राजा बख्तावर सिंह कहाँ के राजा होते थे? अमझेरा धार के राजा हुआ करते थे। तो अगले साल 1728 से 29 के बीच में अगला बैटल जो पेशवा बाजीराव यहाँ पर लड़ते हैं उसमें रहता है कौन सा बैटल? बैटल ऑफ अमझेरा। बट इसके अंदर वो डायरेक्टली नहीं आते हैं। यहाँ पर जो पेशवा बाजीराव फर्स्ट रहते हैं वो मूवी में आपने कुछ नाम सुने होंगे, सदाशिव भाव, चिमनजी राव एटसेट्रा। तो यहाँ पर जो पेशवा बाजीराव हैं इन्हीं का एक कजिन ब्रदर हुआ करता था जिसको बोलते थे चिमनजी अप्पा। क्या बोलते थे? चिमनजी अप्पा। तो 1728 से 29 के बीच में जो इनका कजिन ब्रदर रहता है चिमनजी अप्पा वो यहाँ पर मूव करता है टूवर्ड्स मालवा। और मालवा में एक लड़ाई होती है, फिर से सिंपल से याद रखना है कौन सी लड़ाई है? तो मुगल्स वर्सेस मराठा। तो यहाँ पर चिमनजी अप्पा जो है वो मालवा की तरफ प्रोसीड करता है और उस समय में यहाँ पर मुगल सूबेदार बैठा रहता है जिसका नाम रहता है गिरधर बहादुर। क्या नाम रहता है? गिरधर बहादुर। वो जो गिरधर बहादुर नाम का व्यक्ति रहता है लोग उससे बहुत ही परेशान रहते हैं, वो यहाँ पर लोगों को बहुत ही टॉर्चर करता है। तो उनके टॉर्चर से बचाने के लिए मराठाओं ने मालवा में प्रोसीड करा था विद द स्टार्टिंग ऑफ बैटल ऑफ अमझेरा। तो यहाँ पर मुगल्स वर्सेस मराठा आपको देखने को मिलेगा कि मुगलों का सूबेदार हुआ करता था जिसका नाम मैंने अभी आपको क्या बताया? गिरधर बहादुर। इस गिरधर बहादुर के टॉर्चर से लोग बहुत ही परेशान थे जिसके चलते मराठाओं में कौन आया? चिमनजी अप्पा। बट वो अकेला नहीं आया, उसकी मदद कुछ लोगों ने और करी थी जिसमें तीन नाम आप याद रख लो जिसकी तरफ से अगर हम बात करें तो होलकरों में यहाँ पर हुआ करते थे मल्हार राव होलकर। कौन होते थे? मल्हार राव होलकर। फिर सिंधियाओं में अगर हम बात करें तो एक नाम आएगा राणोजी सिंधिया। क्या नाम आएगा? राणोजी सिंधिया। और धार में भी आपको जो है परमार रूलर्स वो देखने को मिलेंगे। तो उन लोगों ने अपने बाकी मराठा साथियों की मदद करी एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पर ये जो गिरधर बहादुर है इसके साथ फाइट होती है जिसमें मराठाओं की जीत होती है और मुगल्स क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। तो 1729 तक हम यहाँ पर आ गए। यहाँ तक चीजें क्लियर? ठीक है। अब धार में ये बैटल हुआ था, अगले ही साल आपको फिर 1730 में धार में एक बैटल देखने को मिलेगा जिसे हम बोलेंगे बैटल ऑफ तिरला। बैटल ऑफ तिरला की अगर हम बात करें तो जो तिरला नाम की लोकेशन है ये भी कहाँ पर आती है? धार में ही आती है। एंड सेम चीज यहाँ पर रिपीट होगी कि यहाँ पर भी ये फाइट किसके बीच में हुई? बिटवीन मुगल्स वर्सेस मराठास, जिसके अंदर अगेन यहाँ पर किसकी जीत होगी? मराठास की जीत होगी और मुगल्स इसमें हार जाएंगे। और ये एक ऐसा डिसाइसिव बैटल रहेगा जिससे मुगल्स का कामकाज मालवा से खत्म हो जाएगा और अब मालवा में फाइनली एस्टेब्लिशमेंट होगा किनका? मराठास का। और इसी को हम क्या बोलते हैं? राइज ऑफ मराठा इन एमपी। अभी रिकॉल करेंगे सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पेशवाओं में कौन होता था? बाजीराव फर्स्ट। बाजीराव फर्स्ट पहली बार यहाँ से साउथ गेट से होते हुए एमपी में पहुंचा, तो पहली लड़ाई उसकी भोपाल के नवाब के साथ हुई जिसका नाम क्या था? दोस्त मोहम्मद। यहाँ उसको जीत मिली। फिर अगले साल उसका बहुत बोलबाला हो गया जिसके चलते बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल ने उसको बुलाया
और उससे मदद मांगी, जिसके चलते वो यहाँ आया और फिर से उसने मुगलों में सूबेदार को हराया जिसका नाम क्या था, खान बंगश। अब तो उसकी और ज्यादा यहाँ पर फैन फॉलोइंग हो गई। फिर आपको देखने को मिलेगा 28-29 में उसने एक मेजर बैटल लड़ा जिसका नाम क्या है, बैटल ऑफ अंजेरा। फिर एक बैटल लड़ा जिसका नाम क्या है, बैटल ऑफ तिरला। दोनों को याद कर लो, मुगल वर्सेस मराठा, और दोनों में कौन जीते, मराठा जीते। अब भाई इतनी बार जीते हैं तो वो एरिया फिर उनको भी तो चाहिए होगा। तो यहाँ पर जब 1730 में बैटल हुआ, बैटल ऑफ तिरला, तिरला कहाँ आता है, धार में आता है। फाइनली एक ऐसा डिसाइसिव बैटल था जिसने यहाँ पर मराठाओं का कंप्लीट एस्टेब्लिशमेंट करवा दिया, कहाँ पर, मालवा में। अब मालवा की सत्ता में कौन आ गए, मराठा आ गए। तो वो कौन सा बैटल था जिससे मराठाओं का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था मालवा में, बैटल ऑफ तिरला, कब हुआ, 1730 में। यहाँ तक क्लियर, मुगल्स को हटाकर कौन आए, मराठा आए आपके मध्य प्रदेश के मालवा में। मालवा में उन्होंने कहाँ कहाँ लड़ाई लड़ी, तो धार में लड़ी, बुंदेलखंड में लड़ी, और इस तरीके से भोपाल में भी उनकी लड़ाई होगी। अब जब उनकी सत्ता यहाँ पर इस्टेब्लिश हो गई, तब उनको एरिया एक्सपांशन करना है, भाई लालच तो आएगा आदमी के मन में। सो यहाँ पर एज ए रिजल्ट 1737 में एक बैटल उनका और होता है जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ भोपाल। अब चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करो, बैटल ऑफ भोपाल किसके टाइम पीरियड में हुआ था, बोलो यार मोहम्मद, किसके टाइम में हुआ था, यार मोहम्मद के टाइम पीरियड में हुआ था। कुछ रिवीजन नहीं कराए, पहला नवाब कौन था भोपाल का, दोस्त मोहम्मद। दोस्त मोहम्मद के बाद उसका छोटा बेटा बना था सुल्तान मोहम्मद, जिसको हटाकर बड़ा बेटा आया जिसका नाम था यार मोहम्मद, जो कहां पर इंगेज था, हैदराबाद में इंगेज था। और उसके टाइम पीरियड में मराठाओं ने अटैक किया था कहां पर, मालवा में। एंड दोस्त मोहम्मद का बेटा जो यार मोहम्मद था, उसकी तरफ से निजाम भी लड़ रहे थे। सो बैटल ऑफ भोपाल यहां पर हुआ था। याद करो मैंने पार्टीज लिखवाई थी कि एक साइड पर तो किसका नाम लिख लो, यार मोहम्मद, प्लस साथ में किसका लिखना, निजाम का, वर्सेस यहां पर क्या कर लेना आप, मराठा कर सकते हो। तो याद आया मैंने बोला था कि इन सब की हार हुई थी और कौन जीते थे, मराठा। बट इस हारने का मतलब ये नहीं था कि मराठा रूल करने लगे, उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि मराठाओं की सोवरनिटी रहेगी अब से कहां पर, भोपाल में। और एक फेमस ट्रीटी भी हुई थी, क्या नाम था उसका, दोराय सराय की ट्रीटी, बहुत बढ़िया। और उस ट्रीटी से ही यहां पर मराठाओं की सोवरनिटी को क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। यहां तक चीजें क्लियर। अब मालवा में किसका रूल देखने को मिलेगा आपको, मराठाओं का रूल देखने को मिलेगा। बट मैंने आपको बताया कि मराठा जो है वो तो हमेशा और हमेशा कन्फेडरेसी में रहते हैं, लोगों को रियासतें बांट देते हैं और उसके हिसाब से रूल करते हैं। तो डिसाइसिव बैटल कौन सा था जिससे मराठाओं के हाथ में एरिया आ गया था, बैटल ऑफ तिरला, बहुत ही बढ़िया। कब हुआ है, 1730 में। तो 1730 में यहाँ पर हुआ बैटल ऑफ तिरला, जिससे मराठाओं ने कई सारी जगह जीत ली मालवा की। अब जगह जीत ली है, अकेले तो रूल कर नहीं सकते, तो चलो लोगों में हम उसको बांट देते। तो मराठाओं में पेशवा बाजीराव फर्स्ट ने 1732 के अंदर मालवा का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया था, और डिस्ट्रीब्यूशन करके सबको अलग अलग एरियाज यहाँ पर सौंप दिए गए थे, जिसके चलते आपको देखने को मिलेगा कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पर्टिकुलर कौन सा एरिया आएगा, ग्वालियर। सो ग्वालियर के अंदर कौन सी डायनेस्टी इस्टेब्लिश होगी, सिंधिया। और सिंधियाओं के जो फाउंडर रहेंगे उनका नाम रहेगा राणोजी सिंधिया, क्या नाम रहेगा, राणोजी सिंधिया। तो पहला तो इनको बांट दिया उसने एरिया, और किसको बांटा, तो फिर आपको यहाँ पर एक जगह देखने को मिलेगी जिसका नाम है धार, क्या नाम है, धार। धार में एक नई डायनेस्टी निकल कर आएगी जिसको आप बोलोगे पवार डायनेस्टी, कौन सी डायनेस्टी, पवार डायनेस्टी। तो पवार भी ओरिजिनली कौन है, मराठा ही है। सो पवार डायनेस्टी यहाँ पर आएगी जिसका फाउंडर रहेगा आनंद पवार, क्या नाम रहेगा, आनंद पवार। तो ये हमने कहाँ की बात करी, धार की बात करी। धार के जस्ट बगल में एक जगह और है, बताओ कौन सी, इंदौर, बहुत बढ़िया। सो नेक्स्ट लोकेशन किसकी आ जाएगी, इंदौर की। और इंदौर में एक नई डायनेस्टी स्टेब्लिश होगी जिसका नाम क्या रहेगा, होलकर। और होलकरों की नींव जिसने रखी थी उसका नाम क्या है, मल्हार राव होलकर। कौन है मल्हार राव होलकर, टीवी तो खूब देखते होंगे, अहिल्या बाई होलकर के फादर इन लॉ हुआ करते थे, क्या नाम था, मल्हार राव होलकर। तो इंदौर किसको दे दिया, होलकरों को दे दिया। अब इंदौर के जस्ट पास में एक जगह और है, बताओ कौन सी, जो कल नैन से भूल गई थी, देवास। कौन सी जगह आएगी, देवास। सो देवास की अगर हम बात करें तो देवास आपको दो पार्ट में यहाँ पर देखने को मिलेगा।
तो देवास की अगर हम बात करें तो एक ऊपर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, जिसमें देवासों में रूल आएगा तुकोजी डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? तुकोजी डायनेस्टी। और इसी को बोलते हैं बड़ी पंथी। क्या बोलते हैं? बड़ी पंथी। जिन्होंने इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था उनका नाम था कुक्कू जी। क्या नाम था? कुक्कू जी। और देवास के नीचे आपको पोर्शन में देखने को मिलेगा यहाँ नई डायनेस्टी आएगी जिसको बोलेंगे जीवाजी डायनेस्टी, और इसी को बोलते हैं छोटी पंथी। और जीवाजी डायनेस्टी का जो फाउंडर रहेगा उसका नाम रहेगा जीवाजी। समझ में आई बात? तो इस तरीके से यहाँ पर सबको अलग अलग एरिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। सो आपने देखा 1730 में एक फेमस बैटल हुआ था जिसका नाम क्या था? बैटल ऑफ तिरला, जिसके अंदर बाजीराव पेशवा फर्स्ट ने यहाँ पर जो एरिया था उसको अलग अलग लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करा, जिसके चलते ग्वालियर का एरिया किसको सौंपा? सिंधियाओं को। ग्वालियर में सिंधिया रियासत की एस्टेब्लिशमेंट किसने करी? रानोजी सिंधिया ने। फिर इंदौर में यहाँ पर जो है कौन सी डायनेस्टी आई? होलकर डायनेस्टी। कौन है फाउंडर? मलार राव होलकर। फिर धार में कौन सी डायनेस्टी आई? पमार डायनेस्टी। कौन है फाउंडर? आनंद पमार। फिर देवास दो पार्ट में, पहला ऊपर कौन है? टुकोजी। क्या बोलते हैं? बड़ी पंथी। और नीचे जीवाजी। क्या बोलते हैं? छोटी पंथी। तुकोजी डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किसने किया? कुक्कू जी। तुकोजी कुक्कू जी एक जैसा लग रहा है। एंड वहीं अगर हम बात करें तो जीवाजी का क्या है? जीवाजी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कैसे एमपी के अंदर सबका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। फिलहाल के लिए हमें यहाँ से टॉपिक उठाना है जिसका नाम है होलकर रियासत। तो सबसे पहले हमने देखा आखिर होलकर आए कहाँ से, तो किसी ना किसी को ये एरिया जो है वो गिफ्ट में मिला है, और वो गिफ्ट में किसको मिला था? मलार राव होलकर को। तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे होलकर डायनेस्टी। होलकर डायनेस्टी जो कहाँ देखने को मिलेगी? इंदौर में। और इंदौर में अगर हम बात करें तो कौन से डिवीजन में आएगी? इंदौर डिवीजन में आएगी। इंदौर डिवीजन में आने वाली डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आती है? तो फटाफट बोलो, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर। ये सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन से डिवीजन में आती है? इंदौर डिवीजन में आती है। यहाँ तक बात क्लियर? ठीक है। अब हम यहाँ पर डायनेस्टी शुरू करेंगे जिसका नाम क्या रहेगा? होलकर डायनेस्टी। दो लोगों के फोटोग्राफ आपको देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन है? देवी अहिल्याबाई। एंड ये कौन है? मलार राव होलकर। इंदौर की अगर हम बात करें तो उसे किस नाम से बुलाया जाता है? अहिल्याबाई की नगरी। जब भी आप इंदौर में एंट्री करोगे तो ग्रीन बोर्ड पे लिखा रहेगा माँ अहिल्या की नगरी में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर उनको सम्मान के तौर पर इंदौर में उन्होंने काफ़ी अच्छा रूल किया था, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी होती थी उसको ओवरकम करते हुए एक रानी यहाँ पर आई थी जो बहुत ही महान रानी थी। आपने भोपाल में भी देखा, बट वो बेगम में कैसी थी आपने देखा, अब आप देखोगे देवी अहिल्याबाई कैसी थी। ठीक है, तो हम डायनेस्टी शुरू करेंगे जिसका नाम क्या है? होलकर डायनेस्टी। अरे चलो, अब होलकर डायनेस्टी की हम शुरुआत की बात करें तो फाउंडर तो आप लोग समझ गए कौन है? मलार राव होलकर। अब देखते हैं आखिर इनकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो अगर हम बात करें होलकरों की, तो होलकरों के बारे में बोला जाता है कि बेसिकली ये गडरिया जनजाति के हुआ करते थे, या फिर धनगर जाति का भी इनको बोला जाता है। इनके जो एंसेस्टर हुआ करते थे वो मेनली मथुरा के रहने वाले थे। तो अगर मैं बात करूं एंसेस्टर्स के, तो वो कहाँ के रहने वाले थे? मथुरा के रहने वाले थे। मथुरा में वो लोग यहाँ पर रहते थे। देन मथुरा में ये लोग यहाँ पर रहते थे। देन आने वाले समय में ये लोग माइग्रेट कर आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में आता है पुणे, और पुणे में एक नदी देखने को मिलेगी जिसका नाम है नीरा रिवर। क्या नाम है? नीरा रिवर। सो ऑन द बैंक ऑफ नीरा रिवर एक छोटा सा विलेज हुआ करता था जिसका नाम क्या था? होल। सो होल नाम का यहाँ पर एक विलेज हुआ करता था, और यहाँ आकर ये लोग बसे, इसी वजह से ये लोग क्या कहलाए? होलकर। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? ठीक है। अब अगर हम बात करें फाउंडर की, तो फाउंडर कौन है? मल्हार राव होलकर। तो मल्हार राव होलकर का हम यहाँ पर थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं कि अगर हम बात करें फाउंडर मल्हार राव होलकर की, तो इनके पिताजी का नाम हुआ करता था खांडूजी होलकर। तो खांडूजी होलकर जो है इनके फादर हुआ करते थे। सो यहाँ पर आपको 1693 में मल्हार राव होलकर का बर्थ जो है वो देखने को मिलेगा। मल्हार राव होलकर के जो पिताजी थे जिनका नाम क्या है? खांडूजी होलकर। इनकी अगर हम बात करें ये क्या करते थे, तो ये पेशवा की आर्मी में हुआ करते थे। ये सब लोग ओरिजिनेट वहीं से हुए हैं। तो ये भी कहाँ काम करते थे? पेशवा की आर्मी में।
कहानी को ध्यान से सुनना, जहाँ पिताजी ने काम किया है वहीं जाकर बेटा भी क्या करेगा, ज्वाइन करेगा। तो इनके पिताजी का नाम क्या है? खांडू जी होलकर। खांडू जी होलकर जो है वो कहाँ पर सर्विस देते थे? पेशवा की आर्मी में सर्विस देते थे। यहाँ पर 1693 में मल्हार राव होलकर का जो है बर्थ हुआ, एंड 1696 के अंदर इनके पिताजी की डेथ हो गई, जिनका नाम क्या है? खांडू जी होलकर। अब ये सब लोग जो है यहाँ पर महाराष्ट्र में पुणे में होल विलेज के अंदर रहते थे। फिर क्या हुआ? तो फिर ये हुआ कि पारिवारिक कलह चल रहा था इनकी मदर और फैमिली के बीच में। सो फैमिली डिस्प्यूट के चलते इनकी मदर ने वो पर्टिकुलर जगह जो है वो छोड़ दी, और महाराष्ट्र में ही एक विलेज हुआ करता था जिसका नाम था तालोदा विलेज। क्या नाम था? तालोदा विलेज। और तालोदा विलेज में जाकर इनकी मदर जो है अपने भाई के यहाँ रहने लगी, और उस भाई का नाम था भोजराज। क्या नाम था? भोजराज। सो भोजराज कौन है? बेसिकली इनके मामा जी है। तो मामा जी की यहीं पर इनकी क्या हुई? अपब्रिंगिंग हुई। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? ठीक है। क्या देखा हमने? फादर की डेथ हो गई, डेथ के बाद इनकी जो मदर है वो इनको अपने मामा के घर लेके चली गई, जो कहाँ पर है? तालोदा विलेज में महाराष्ट्र के अंदर। और भाई का नाम क्या है? भोजराज। वहां जाकर ये क्या हो गए? रहने लगे। अब वहां जाकर रहने लगे, वहीं पर इनकी जो है अपब्रिंगिंग वगैरह हुई, एंड फाइनली इनकी शादी करवाई जाती है। इनकी शादी जिससे करवाई जाती है उसका नाम क्या रहता है? गौतमा बाई। सो आपने देखा कि किसकी किसकी शादी हुई? मल्हार राव होलकर की एंड गौतमा बाई की। सो मल्हार राव होलकर एंड गौतमा बाई की यहाँ पर मैरिज होती है, और इनसे इनको एकमात्र बेटा होता है जिसका नाम रहता है खांडे राव होलकर। क्या नाम है? खांडे राव होलकर। पिताजी का नाम क्या है? खांडू जी होलकर। बेटे का नाम क्या है? खांडे राव होलकर। समझ में आया? कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है भाई। सो मल्हार राव होलकर की शादी किससे हो गई? गौतमा बाई से हुई, और इनसे मात्र एक बेटा इनको हुआ जिसका नाम क्या है? खांडे राव होलकर। और ये खांडे राव होलकर जो है ये किसके पति बनेंगे? देवी अहिल्याबाई होलकर के पति बनेंगे। इसी के लिए ये मेनली यहाँ पर फेमस है। सो ये सब चीजें यहाँ पर चल रही थी। आने वाले समय में इन्होंने भी पेशवा की आर्मी को ही ज्वाइन कर लिया। जब पेशवा की आर्मी को ज्वाइन किया तो पेशवा इनकी कैपेबिलिटीज से बहुत खुश था कि बहुत ही योग्य आदमी है। एज अ रिजल्ट उसने इन्हें यहाँ पर 500 घोड़े गिफ्ट किए, और जिम्मेदारी की दी कि तुम जाओ और जाकर कहाँ पर एक्सपीडिशन करना? मालवा में। इसीलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब चिमन जी अप्पा मालवा में लड़ने गए थे तो उनकी मदद किसने करी थी? मल्हार राव होलकर ने। कहानी कनेक्ट हो रही है, ठीक है। सो 1724 के अंदर इनको गिफ्ट किया गया था विद 500 सोल्जर्स, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कहाँ की? मालवा की। जिसके चलते इन्होंने कई सारे बैटल्स यहाँ पर लड़े, बैटल ऑफ अमझेरा, बैटल ऑफ तिरला, बैटल ऑफ भोपाल एटसेट्रा। समझ में आई बात? तो अगर कल को क्वेश्चन में आपको देखने को मिलता है कि मल्हार राव होलकर का पार्टिसिपेशन उसमें था क्या, तो यस, तीन लोग मदद करने गए थे। होलकर में कौन गया था? मल्हार राव होलकर। सिंधियाओं में कौन गए थे? राणोजी सिंधिया, एंड पंवार भी साथ में गए थे। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर इनका एक्सपीडिशन वगैरह जो है वो करा। इस तरीके से कई सारे बैटल्स इन्होंने लड़े। इनकी डेथ की बात करें तो भाई इनकी डेथ कहाँ पर होती है? आलमपुर भिंड में। बातों को ध्यान से सुनो, कहाँ डेथ हुई है? आलमपुर भिंड में। इसी की वजह से जो इनकी पुत्र वधु रहेगी, इनकी डॉटर इन लॉ रहेगी, जिसका नाम क्या है? देवी अहिल्याबाई, उन्होंने इनकी समाधि कहाँ पर बनवाई है? भिंड में। और ये भिंड में समाधि किसने बनवाई है? फिर से बोलो, देवी अहिल्याबाई ने। किसकी बनवाई है? मल्हार राव होलकर की। देवी अहिल्याबाई रहने वाली भले ही इंदौर की रहेंगी, बट एक्चुअल में उनकी समाधि कहाँ मिलेगी? महेश्वर में। चीजों को ध्यान से सुनना है। तो मल्हार राव होलकर की समाधि कहाँ देखी आपने? आलमपुर भिंड में, जो किसने बनवाई? देवी अहिल्याबाई होलकर ने। तो यहाँ पर ये हमने इनका इतिहास देखा कि इनकी शादी हुई गौतमा बाई से, और एक बेटा हुआ जिसका नाम क्या है? खांडे राव होलकर। और इनकी डेथ के बाद कौन सक्सीड करेगा? इनका बेटा, जिसका नाम रहेगा खांडे राव होलकर। बट उसके पहले हम मल्हार राव होलकर की कुछ अचीवमेंट्स देख लेते हैं। कि अगर हम बात करें अचीवमेंट्स की, तो उन्होंने कौन कौन से बैटल्स लड़े हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि फर्स्ट बैटल जो इन्होंने फाइट किया उसका नाम क्या है? बैटल ऑफ सारंगपुर। कहाँ आता है सारंगपुर? राजगढ़ में। कहाँ आता है? राजगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बैटल कौन सा देखा इन्होंने? बैटल ऑफ अमझेरा। कहाँ आता है? धार में आता है। नेक्स्ट बैटल कौन सा देखा? बैटल ऑफ तिरला। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई, ठीक है। अगर हम बात करें बैटल ऑफ सारंगपुर की, तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पर? तो ये बैटल भी सिंपल सी चीजें याद रख लो आप, मुगल्स वर्सेस मराठास, जिसमें जीत किसकी होनी है? मराठाओं की होनी है। नेक्स्ट बैटल में भी सिमिलर चीजें याद रखो, क्या आएगा? मुगल वर्सेस मराठा।
एंड थर्ड बैटल में भी सेम चीज आएगी, मुगल वर्सेस मराठा। बट ये आपको मराठा सॉरी मुगल्स ना देखते हुए क्या देखने को मिलेगा, निजाम। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? ठीक है, सॉरी नॉट निजाम हियर, निजाम कहाँ पे आएगा, भोपाल में आएगा। तो ये भी क्या रहेगा आपका, मुगल वर्सेस मराठा। तो 1731 में हमने फाइनल बैटल देखा जिसका नाम क्या है, बैटल ऑफ तिरला। और इसी से मराठाओं का एस्टेब्लिशमेंट हो गया था कहाँ पर, मालवा में। फिर आने वाले समय में जब वो अपना एरिया एक्सपांशन करेंगे तो वो नेक्स्ट बैटल लड़ेंगे जिसको क्या बोलेंगे हम, बैटल ऑफ भोपाल, जिसको यहाँ पर मराठा वर्सेस निजाम के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंदर भी किसकी जीत हुई थी, यहाँ पर मराठाओं की जीत हुई थी। ठीक है, फिर अगर हम उसके बाद बात करें तो कुछ फेमस बैटल्स और रहेंगे इनकी लाइफ के, जिसमें आपको नेक्स्ट बैटल देखने को मिलेगा जिसका नाम रहेगा बैटल ऑफ कुंभेरी, या फिर इसी को बैटल ऑफ कुम्हेर भी बोला जाता है। अब इसको कैसे याद रखोगे तो मुझे बताओ, मल्हार राव होलकर के बेटे का नाम क्या है, खांडे राव होलकर। तो ये वही बैटल था जिसके अंदर उनका पुत्र जिसका नाम है खांडे राव होलकर, उसको तोप का गोला लगने की वजह से उसकी यहाँ पर डेथ हो गई थी। तो वो कौन सा बैटल था, बैटल ऑफ कुम्भेरी। अब ये कुम्भेर नाम जो है ये आपको कहाँ की लोकेशन से दिख रहा है, राजस्थान से दिख रहा है। एंड राजस्थान में भी एक जगह आती है जहाँ का नाम है भरतपुर। क्या नाम है, भरतपुर। और इस भरतपुर में जिनका शासन जिनका रूल होता था वो होते थे जाट्स। कौन होते थे, जाट्स। और उस समय जाटों में जो रूलर था उसका नाम था सूरजमल जाट। क्या नाम था, सूरजमल जाट। तो बैटल ऑफ कुम्भेरी जो है वो आपको किनके बीच में देखने को मिलेगा, तो मराठाओं में कौन है, मल्हार राव होलकर वर्सेस जाट रूलर कौन है, सूरजमल जाट। और इसी बैटल के चलते इनका जो बेटा है जिसका नाम क्या है, खांडेराव होलकर, बहुत ही कम एज में उसकी डेथ हुई थी, तो वो भी यहाँ पर गया था और पालकी में बैठकर इंस्पेक्शन कर रहा था सभी चीज़ों का। उसी समय यहाँ पर जाटों की जो तोप हुआ करती थी कैनन, उसमें से एक गन एक गोला निकलता है और किसको लग जाता है, यहाँ पर खांडेराव होलकर को, और उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। कब हुआ है ये बैटल, 1754 में। यहाँ तक बातें क्लियर? तो मल्हार राव होलकर का आपको नेक्स्ट पार्टिसिपेशन यहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मल्हार राव होलकर का एक नाम और आता है किसमें, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कब हुआ है, 1761 में। किसके बीच में हुआ था, जल्दी से बोलो। हाँ यस, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, अफगान वर्सेस मराठास, जिसमें अफगानों की तरफ से कौन लड़ रहा था, अहमद शाह अब्दाली, एंड मराठाओं की तरफ से आपने मूवी में वो देखा है कि वहां पर किस कौन बीमार हो गया था, पेशवा बाजीराव फर्स्ट जो है वो बीमार हो गए थे, सो उन्होंने यहाँ पर किसको भेजा था, सदाशिव राव भाऊ को। सो सदाशिव राव भाऊ जो है वो किसकी तरफ से लड़ रहा था, मराठाओं की तरफ से। अब वो लड़ने गया है तो बाकी के मराठाओं को भी इकट्ठा करेंगे, एज ए रिजल्ट वो किसको लेकर गए थे, मल्हार राव होलकर को लेके गए। बट थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर ये हुआ कि जो सदाशिव राव भाव हुआ करते थे उन्होंने बोला हमें वॉर स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ेगा, और ये बात मल्हार राव होलकर को अच्छी नहीं लगी। एज ए रिजल्ट वो यहाँ से युद्ध भूमि छोड़कर वापस अपनी रियासत में रिटर्न आ जाते हैं। तो क्या उन्होंने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को फाइट किया, नहीं किया, वो मीनवाइल ही उसी को छोड़कर आ गए। यहाँ तक चीजें क्लियर? तो ये सारी की सारी अचीवमेंट्स हमने किसकी देखी, मल्हार राव होलकर की। कौन कौन से बैटल से एसोसिएटेड है होलकर या फिर मल्हार राव होलकर, एक बार लिस्ट देख लो। सारंगपुर कहाँ आता है, राजगढ़ में। राजगढ़ में भी आपको देखने को मिलेगा मुगल वर्सेस मराठा। चलो इसको भी याद दिलाती हूँ, क्या पढ़ा था हमने कल मुगल वर्सेस मराठा में, एक बैटल और हुआ था सारंगपुर में, वेरी गुड, कौन था, बाज बहादुर वर्सेस मुगल्स। मुगल्स में कौन गया था, आदम खां। अकबर का टाइम पीरियड कब का है, 1500 का है, तो उस समय से ही वहां पर किसका कब्जा हो गया था, मुगल्स का। हम कौन से ईयर में, 1724 में। इसलिए जब मराठा सारंगपुर पहुंचेंगे तो यहाँ पर इनको कौन मिलेंगे, मुगल्स मिलेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट आपने अमजेरा देख लिया, तिरला देख लिया, भोपाल, कुम्भेरी एंड पानीपत। यहाँ तक चीजें क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट मल्हार राव होलकर। अब इन्होंने कुछ फेमस काम वगैरह किए हैं, देख लेते हैं क्या क्या काम किए हैं। तो वर्क की अगर हम बात करें तो इंदौर में इन्होंने एक पैलेस बनवाया जिसको क्या बोलते हैं, राजवाड़ा। सो राजवाड़ा इज मेनली कंस्ट्रक्टेड बाय, बोलो, मल्हार राव होलकर। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर छतरी बाग। सो छतरी बाग जो है वो भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, राजवाड़ा पे ही देखने को मिलेगा। और इस छतरी बाग का जो कंस्ट्रक्शन है वो किसने करवाया था, वो भी मल्हार राव होलकर ने ही करवाया था। यहाँ तक चीजें क्लियर? तो ये है इनकी इंपॉर्टेंट वर्किंग्स। तो अभी तक हमने यहाँ पर देखा मराठाओं में मल्हार राव होलकर ने कौन कौन से बैटल्स लड़े, क्या वर्किंग रही है, और कहाँ पर किन चीजों का उन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया। ओके,
तो दिस इज ऑल अबाउट मल्हार राव होलकर। अब मल्हार राव होलकर को कौन सक्सीड करेगा, तो मैंने आपको बताया उनका तो एकमात्र बेटा था जिसका नाम क्या था, खांडेराव होलकर। और 1754 में एक बैटल हुआ था, जल्दी से बोलो कौन सा, बैटल ऑफ कुंभेरी, जो किसके साथ हुआ था, भरतपुर के राजा सूरजमल जाट के साथ हुआ था, जिसमें खांडेराव होलकर की क्या हो गई, डेथ हो गई। अब यहाँ पर मल्हार राव होलकर जो है, जब उनकी डेथ हो गई, और डेथ कहाँ पर हुई, भिंड में हुई, भिंड में कहाँ, आलमपुर में, वहां पर समाधि किसने बनवाई, देवी अहिल्याबाई होलकर ने। सो अगला सक्सीड करेगा यहाँ पर खांडेराव होलकर। खांडेराव होलकर की अगर हम बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें, तो इनकी शादी किससे होती है, अहिल्याबाई होलकर से होती है। हाँ, 1754, अभी तो सक्सीड करवाएंगे ना, पहले वो बैटल के साथ कोरिलेट करके बता दिया। चलो, खांडेराव होलकर की अगर हम बात करें, तो इनकी मैरिज किससे होगी, अहिल्याबाई होलकर से होगी, और इससे इनकी दो संतानें होगी, जिसमें एक रहेगा इनका बेटा, और बेटे का नाम रहेगा मालेराव होलकर, और एक रहेगी इनकी डॉटर, और डॉटर का नाम रहेगा मुक्ताबाई। क्या नाम रहेगा, मुक्ताबाई। सो दिस इज ऑल अबाउट खांडेराव होलकर। एंड क्या इंपॉर्टेंट है इनके बारे में, तो 1754 में इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बैटल फाइट किया है, नाम बोलो फटाफट, बैटल ऑफ कुंभेरी। और बैटल ऑफ कुंभेरी में ही जाट रूलर से लड़ते हुए इनको तोप का गोला लगने की वजह से, कैनन शॉट की वजह से इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई। अब भाई इनकी तो बहुत ही कम एज में डेथ हो गई, क्या किया जाए, बट अभी तो इनका बेटा मौजूद है, नाम बताओ मुझे फटाफट, मालेराव होलकर। वेरी गुड। सो यहाँ पर एज ए रिजल्ट कौन सक्सीड करेगा, मालेराव होलकर। मालेराव होलकर ने यहाँ पर सक्सीड किया, बट उनकी एज ज्यादा नहीं थी, तो एज ए रिजल्ट जब भी कोई छोटा बच्चा राजगद्दी पर बैठता है, और अगर वो छोटा है तो उसकी मदर या कोई और प्रोटेक्टर बनकर उसको यहाँ पर हेल्प करता है, तो इनकी संरक्षिका या फिर इनकी प्रोटेक्टर इन्हीं की मदर बनेगी, जिसका नाम क्या रहेगा, देवी अहिल्याबाई होलकर। मालेराव होलकर की अगर मैं बात करूं, तो इन्होंने मात्र एक ही साल रूल कर पाया है, और वो 1766 से लेकर 1767 के बीच में, 66 से लेकर 67 के बीच में आपको इनका रूल जो है वो देखने को मिलेगा। बहुत ही कम एज में इनकी भी आपको यहाँ पर डेथ देखने को मिलेगी। बोला जाता है बहुत ही जस्टिस फ्री आदमी हुआ करता था एज पर हिज मदर। कैसे, तो इनके बारे में कई सारी स्टोरीज दी हुई है कि एक बार जब ये राजा बने हुए थे, उस समय इन्होंने किसी को गलत न्याय दे दिया था, कि कोई बेगुनाह व्यक्ति था, और इन्होंने उसको मृत्यु दंड की यहाँ पर डेथ पेनल्टी की सजा दे दी थी, और बाद में इनकी बात रिवील होती है कि वो आदमी जो है वो बेगुनाह था, तो एज ए रिजल्ट ये उस चीज़ से बहुत ही सदमे में चले जाते हैं, एंड इनको यहाँ पर मेंटल डिसऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाता है, जिसके चलते इनको आपको फीवर वगैरह देखने को मिलेगा, बोलते हैं दिमाग पर बुखार चढ़ गया था, एंड फाइनली उसी वजह से इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। यहाँ तक बात समझ में, ठीक है भाई। अभी तो एकमात्र बेटा है जिसका नाम क्या है, मालेराव होलकर, और उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। अब क्या किया जाए, तो अभी उसकी प्रोटेक्टर यहाँ पर जिंदा है, जिनका नाम क्या है, देवी अहिल्याबाई होलकर। सो आपको नेक्स्ट यहाँ पर रूल देखने को मिलेगा, देवी अहिल्याबाई होलकर। अब देवी अहिल्याबाई होलकर को यहाँ पर जो है बैठना था गद्दी पर, तो अभी क्या किया जाए, तो इन्होंने भी यहाँ पर पेशवा की परमिशन ली, और पेशवा की परमिशन लेते हुए फाइनली इंदौर की गद्दी पर आपको कौन देखने को मिलेंगी, देवी अहिल्याबाई होलकर। देवी अहिल्याबाई होलकर की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डील कर लेते हैं, कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करते हैं, आप देखोगे इंदौर इंदौर इंदौर, तो इनका बर्थ कहाँ हुआ है, इंदौर लगा दोगे, बट इंदौर में नहीं हुआ है। आपको याद रखना है कि इनका जो बर्थ है वो कहाँ हुआ है, अहमदनगर महाराष्ट्र में हुआ था, कब, 1725 में। इनके फादर की अगर हम बात करें, तो फादर का नाम हुआ करता था मानकोजी शिंदे, और मदर का नाम होता था सुशीला। सो ये है इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। बर्थ कहाँ पर हुआ इनका, अहमदनगर महाराष्ट्र में। डेथ कहाँ होगी इनकी, महेश्वर में। रूल कहाँ करेंगी, इंदौर में। ये तीन चीजें आपको याद रखनी, फिर से बोलो, देवी अहिल्याबाई का बर्थ महाराष्ट्र, डेथ कहाँ पर होगी, महेश्वर में, इसीलिए इनकी समाधि कहाँ मिलेगी तुम्हें, महेश्वर में मिलेगी। रूल कहाँ पर करेंगी, इंदौर में। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी इनकी भी, आप देखना। तो ये इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि पिताजी का नाम मानकोजी शिंदे, मदर इनकी सुशीला हुआ करती थी। फाइनली इनकी शादी जो है यहाँ पर किसके साथ होती है, खांडेराव होलकर के साथ, जो कि किसके बेटे हुआ करते थे, वेरी गुड, मल्हार राव होलकर के बेटे हुआ करते थे, उनसे इनकी क्या हुई, शादी हुई। बच्चे हमने देख लिए, बेटे का नाम क्या है, मालेराव होलकर, बेटी कौन है, मुक्ताबाई। तो बेटे ने शासन किया, उसके बाद फाइनली ये यहाँ पर जो है गद्दी पर बैठ जाती हैं। अब क्या किया जाए,
तो बहुत ही अच्छी डिप्लोमेट रूलर हुआ करती थी। डिप्लोमेट मतलब आप बोल सकते हो बहुत ही अच्छी राजनीतिज्ञ हुआ करती थी कि राजनीति में आपको कब किस जगह किस चीज़ का यूज़ करना है, आप उस चीज़ को डिप्लोमेसी को कूटनीति को समझ पाओ। तो ऐसे क्या एग्जाम्पल्स हिस्ट्री में इनके मौजूद हैं, तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि पेशवा कहाँ बैठते हैं, पुणे में, तो पुणे में आपको देखने को मिलेगा कि जब ये एंग्लो मराठा वॉर वाला सीन चल रहा था या उसके पहले, तो मराठाओं की क्लोजनेस जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ होती जा रही थी और ये चीज ऑब्जर्व करी कि इन्होंने देवी अहिल्याबाई ने। तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल देखने को मिलेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने यहाँ पर जो है एक लेटर लिखा था पुणे में पेशवा को, और पेशवा को इन्होंने यहाँ पर सचेत किया था कि ब्रिटिशर्स से दोस्ती रखना एक भालू से दोस्ती रखने के बराबर है, एक बियर से दोस्ती रखने के बराबर है। किसी भी एनिमल को आप इजीली मार सकते हो, बट भालू को मारना आपके लिए हार्ड टू किल हो जाता है या फिर डिफिकल्ट टू किल हो जाता है। तो इसीलिए आपको ब्रिटिशर्स से क्या रखनी चाहिए, दूरी रखनी चाहिए। सो पहला एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर ये सेट किया था। उसके अलावा अगर हम बात करें इनका बेटा कौन है, माले राव होलकर, उसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई। अब जब उसकी डेथ हो गई तो यहाँ पर इंदौर में कौन बैठा हुआ है, देवी अहिल्याबाई होलकर, और उस समय पुणे में हुआ करते थे राघोबा। कौन हुआ करता था, राघोबा, नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो ये जो राघोबा है ये कहाँ पर बैठे हुए थे, पुणे में बैठे हुए। तो जैसे ही देखा कि होलकर रियासत में एक महिला शासन कर रही है तो यहाँ पर खबर भेजी जाती है कि जो राघोबा है ये कहाँ पर चढ़ाई करने वाले हैं, इंदौर पे। और बात किसको पता चलती है, देवी अहिल्याबाई होलकर को। तो इसके भी कुछ एविडेंस यहाँ पर मौजूद है कि इन्होंने यहाँ पर राघोबा को रिटर्न में एक लेटर लिखा था और उस लेटर में ये लिखा कि ये वीरों को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है कि वो किसी महिला के ऊपर चढ़ाई करे, फिर भी अगर आपका फैसला है आपको इंदौर में आना है तो मैं हर तरीके से तैयार हूँ, पर एक बात आपको ध्यान रहे कि अगर मैं हार गई तो जमाना मुझे तो कुछ भी नहीं बोलेगा, पर अगर आपकी पराजय हुई भाग्यवश अगर आप हार गए तो क्या होगा, इस बात को आप ध्यान में ज़रूर से रखना। तो इस चीज़ से इन्होंने ये बताया था कि जो यहाँ पर एक्सपीडिशन होने वाला था पुणे से कहाँ की ओर, इंदौर की ओर, उसको इन्होंने क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया। फाइनली कंक्लूजन ये हुआ कि जो राघोबा हुआ करते थे इन्होंने दोबारा इनको चिट्ठी लिखी और मेंशन करा कि मैं लड़ाई के पर्पज से नहीं आ रहा था, कुछ ही दिन पहले आपके बेटे की डेथ हुई है जिसका नाम है मालेराव होलकर और उसी के लिए मैं यहाँ पर जो है सिंपथी या फिर शोक दिखाने के लिए आ रहा था। तो इस तरीके से इन्होंने दो बार यहाँ पर अपनी डिप्लोमेसी को बताया और इंदौर को सेव कर लिया यहाँ पर अटैक से। यहाँ तक चीज़ें क्लियर, ठीक है। अब और क्या है भाई इनके बारे में इम्पॉर्टेंट, तो फिर अच्छा कैपिटल शिफ्टिंग से बात याद आई, होलकरों में आपको कैपिटल का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको बता देती हूँ कि इनिशियल कैपिटल इनकी कहाँ पर रहेगी, इंदौर में, यहीं पर होलकरों का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है तो शुरुआती कैपिटल कहाँ है, इंदौर में। अभी तक मैंने कैपिटल शिफ्टिंग का नाम लिया नहीं, अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में। देवी अहिल्याबाई होलकर जो है इनको महेश्वर बहुत ही प्रिय हुआ करता था, इनके टाइम पीरियड में अपनी कैपिटल शिफ्टिंग कर कर कहाँ कर ली थी, महेश्वर में। तो पहली बार होलकरों की कैपिटल आपको कब शिफ्ट होती दिखेगी, यहाँ पर देवी अहिल्याबाई होलकर के टाइम पीरियड में। फर्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट क्या हुआ, कैपिटल शिफ्टिंग। चलो भाई कैपिटल लेके हम कहाँ चले, महेश्वर में। महेश्वर में क्या फेमस है, तो कई सारे घाट वगैरह या फिर आपको यहाँ पर टेम्पल्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे। बहुत ही बड़ी शिवा डिवोटी हुआ करती थी, शिव जी को बहुत ही पूजती थी, इसलिए इन्होंने कई सारे शिव टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन भी करवाया है। जब ये महेश्वर पहुंच गए तो वहाँ पर इन्होंने कई सारे टेम्पल्स या फिर घाट वगैरह का भी कंस्ट्रक्शन करवाया है। देवी अहिल्याबाई के कुछ घाट वगैरह फेमस है जो आपको मेनली बनारस में देखने को मिलेंगे। कहाँ पर, बनारस में। बनारस में एक फेमस घाट है जिसका नाम है मणिकर्णिका घाट। कौन सा घाट, मणिकर्णिका घाट। तो ये जो घाट है वो किसने बनवाया था, देवी अहिल्याबाई होलकर ने। ये भी आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज कर सकता है, मणिकर्णिका देख के आप कुछ और कंफ्यूज हो जाए झांसी वगैरह, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, किसने बनवाया, देवी अहिल्याबाई होलकर ने। अदर देन दिस इन्होंने बनारस में एक मंदिर का कंस्ट्रक्शन और कराया जिसको क्या बोला गया, अष्टपदी टेम्पल। ये दोनों टेम्पल कहाँ देखने को मिलेंगे आपको, महेश्वर में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई सारे टेम्पल्स का इन्होंने रिनोवेशन भी कराया है, जिसमें आपको कुछ फेमस टेम्पल्स के नाम याद रखने हैं, जिसमें आपका काशी का विश्वनाथ मंदिर, कौन सा मंदिर, काशी का विश्वनाथ मंदिर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गुजरात का सोमनाथ मंदिर, उसको भी इन्होंने क्या कराया, रिनोवेट कराया। हरिद्वार हो गया, उज्जैन हो गया, नासिक हो गया, जितने भी यहाँ पर अयोध्या हो गया, जितने भी आपको रिलीजियस प्लेसेस दिखेंगे उन मंदिरों का इन्होंने क्या कराया, रिनोवेशन कराया। महेश्वर से एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि महेश्वर में इन्होंने कई सारे आपको जो है
उद्योग के पर्पज से चीजें देखने को मिलेगी, जिसके चलते कुछ साड़ीज वगैरह भी फेमस हुई है इनके टाइम पीरियड में, जिसको क्या बोलते हैं महेश्वरी साड़ी, तो उसके प्रमोशन में भी काफी हेल्प वगैरह मिली है। ये इंपॉर्टेंट है, कौन से भगवान को मानती थी, शिव जी को मानती थी। तो इनके समय में जो कॉइन वगैरह चलते थे उस पर आपको कुछ सिंबल्स देखने को मिलेंगे। जैसे अगर हम बात करें कॉइन्स की, तो शिव जी की क्या क्या चीजें होती, बोलो फटाफट, बेल पत्र, उसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या होता है और नंदी होता है, एंड त्रिशूल वगैरह, इस तरीके की चीजें जो है आपको इनके कॉइन्स के ऊपर प्रिंटेड देखने को मिलेगी। और ये किसके टाइम में, देवी अहिल्याबाई होलकर के टाइम पीरियड में। यहाँ तक बातें क्लियर, ठीक है। अब इतना कुछ इन्होंने काम किया है रिलीजियस पर्पज से, सोशल वेलफेयर के लिए इन्होंने काफी सारे काम किए, जैसे कई सारे होटल, सराय वगैरह, रेस्ट हाउस वगैरह, फिर आप बोल सकते हो वृद्ध आश्रम, अनाथ आश्रम, बहुत कुछ इन्होंने यहाँ पर खुलवाया है। सोसाइटी के लिए जितना कर सकती थी सब कुछ इन्होंने किया, सो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें सम्मानित किया है। इसके ऊपर आपको एक ईयर लिख रहा हुआ दिख रहा है, बताओ कौन सा है, 1996। सो 1996 के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने इनके लिए यहाँ पर क्या इशू करा, पोस्टल स्टैम्प। मेरी बात को ध्यान से सुनना, होलकरों में पहला पोस्टल स्टैम्प किसका इशू देखा आपने, देवी अहिल्याबाई होलकर का, जिस पर आपको इनका पिक्चर जो है वो प्रिंट दिखेगा। और वो कौन से ईयर में हुआ है, 1996 में, कहीं कहीं 1995 भी मिलेगा, बट अराउंड ही है। अब इसी से एक चीज और रिलेट करो कि 1996 में ये इवेंट हुआ और अगले ही साल 1997, कौन सा ईयर बोला मैंने, 1997, इनके नाम से गवर्नमेंट ने एक अवार्ड इशू किया है, जिसे हम बोलते हैं देवी अहिल्याबाई अवार्ड। देवी अहिल्याबाई होलकर अवार्ड। अभी चूंकि ये एक महिला थी, पेट्रियार्कल सोसाइटी को ओवरकम करके आई थी, सो आपको याद रखना है कि पब्लिक प्राइवेट कोई से भी इंस्टीट्यूशन हो, जहां पर भी वुमेन्स के वेलफेयर की बात होती है, वहां पर कौन सा अवार्ड दिया जाता है, देवी अहिल्याबाई होलकर अवार्ड दिया जाता है। कब से स्टार्ट हुआ है, 1997 से स्टार्ट हुआ है। कितना अमाउंट इसमें दिया जाता है, तो 2 लाख रुपए का अमाउंट जो है इसमें दिया जाता है, स्पेशली फीमेल्स के लिए होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 2019 के अंदर ये अवार्ड जिसको मिला है उनका नाम है शांति झा। क्या नाम है, शांति झा। एक चीज आपको और याद रखनी है, ट्राइबल फोक आर्ट के लिए भी दिया जाता है, ट्राइबल फोक आर्ट, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसके लिए भी दिया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें, देवी अहिल्याबाई अवार्ड यहाँ पर हो गया। आजकल एक पुरस्कार चलता है जिसको बोलते हैं नारी शक्ति पुरस्कार, और उस नारी शक्ति पुरस्कार के अंदर टोटल 6 कैटेगरी है, और उस 6 कैटेगरी में एक कौन सी है, देवी अहिल्याबाई होलकर अवार्ड। सो कल आप रिमेनिंग 5 नाम अपनी कॉपी में नोट डाउन करके लाना कि नारी शक्ति पुरस्कार के अंडर आपको कौन कौन से अवार्ड मिलते हैं, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इसके अलावा इनके नाम पर आपको फेमस इंदौर में एयरपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसे क्या बोलते हैं हम, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। और क्या क्या है इंदौर में बताओ, यूनिवर्सिटी, वेरी गुड। सो नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा यूनिवर्सिटी, जिसे क्या बोलते हैं, DAVV, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, तो वो भी इन्हीं के नाम पर है, और इंदौर को तो इन्हीं के नाम पर जानते हैं, अहिल्याबाई की नगरी भी बोलते हैं। इनको जो है कंपैरिजन करा जाता है ब्रिटेन की क्वीन के साथ, किसके साथ करते हैं, ब्रिटेन की क्वीन के साथ इनको कंपैरिजन किया जाता है, जिस वजह से इन्हें टाइटल दिया गया है, इन्हें कैथरीन ऑफ एलिजाबेथ भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है, कैथरीन ऑफ एलिजाबेथ बोलते हैं। इनके टाइम पीरियड को गोल्डन एरा ऑफ होलकर डायनेस्टी भी बोलते हैं, कि सबसे गोल्डन पीरियड था ये होलकर डायनेस्टी का। उसके अलावा एमपी गवर्नमेंट हर साल अहिल्याबाई फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करती है, कौन सा फेस्टिवल, अहिल्याबाई फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। अवार्ड हो गया, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, चीज़ें हो गई जो जो इनके नाम पे हैं मेनली। उसके अलावा अब फिर से कहानी को कनेक्ट करेंगे, देवी अहिल्याबाई होलकर जो है रूल कर रही थी, सो उनके टाइम पीरियड में उन्होंने एक सोल्जर को रख रखा था जिनका नाम था तुकोजी राव होलकर। क्या नाम है, तुकोजी राव होलकर। सो यहाँ पर आपको ये सब चीजें इनसे रिलेटेड देखने को मिलेगी। देवी अहिल्याबाई का फेस्टिवल हो गया है, उसके अलावा गोल्डन एरा हो गया है, अवार्ड वगैरह चीजें आपकी कंप्लीट हो गई है, क्वीन बोलते हैं ये भी कंप्लीट हो गया। अब इनके टाइम पीरियड में इनके एक सोल्जर, एक सिपाही थे जिनका नाम क्या था, तुकोजी राव होलकर। सो इनके बाद नेक्स्ट अगर कोई सक्सीड करेगा तो उनका नाम क्या रहेगा, तुकोजी राव होलकर। चलो होलकरों के इनिशियल कैपिटल बताओ, देवी अहिल्याबाई ने कहाँ शिफ्ट करी, महेश्वर में शिफ्ट करी। अब देवी अहिल्याबाई के बाद उनका सेनापति, उनका सोल्जर आएगा जिसका नाम क्या रहेगा, तुकोजी राव होलकर।
सो तुकोजी राव होलकर से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें बहुत ही फेमस है, जैसे कि अगर हम बात करें तो इन्होंने सबसे पहले कैपिटल की शिफ्टिंग करी। अभी हम इंदौर से कहाँ पहुँचे, महेश्वर। अब होलकरों के काल में हम फिर से महेश्वर से कहाँ आ जाएंगे, इंदौर। सो आपको याद रखना है महेश्वर से वापस कैपिटल कहाँ आ गई, इंदौर आ गई। अब फिर इसको इंदौर से कहीं ले जाएंगे, इसलिए याद रखना। सो महेश्वर से इंदौर किसके टाइम में आई, तुकोजी राव होलकर के टाइम पीरियड में आई। चूंकि ये एक सोल्जर थे तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम अगर इन्होंने कुछ किया था तो इन्होंने अपनी आर्मी को यूरोपियन लाइंस में ट्रेंड किया था, मतलब अंग्रेजों की भांति या फिर अंग्रेजों की तरीके से ही इन्होंने अपनी आर्मी को क्या किया था, ट्रेनिंग दी थी। तो इसको आप बोल सकते हो आर्मी की अगर हम बात करें तो ऑन यूरोपियन लाइंस, ये इम्पोर्टेंट काम किया। उसके अलावा देवी अहिल्याबाई होलकर के बेटे का नाम बताओ, माले राव होलकर, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें उनके पति का नाम बताओ, खांडे राव होलकर। सो खांडे राव होलकर जो है 1754 में बैटल ऑफ कुंभेरी में मारे गए थे, तो उसका बदला लेने का काम भी किसने किया था, तुकोजी राव होलकर ने किया था। जाटों के साथ इन्होंने यहाँ पर फाइट वगैरह करी थी, एंड इनका एक बैटल में इन्वॉल्वमेंट है जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ लाखेरी। ये लाखेरी नाम की जो जगह है ये आती है पुणे में, कहाँ आती है, पुणे में। और यहाँ पर ये बैटल होता है जिसमें होलकरों की तरफ से कौन लड़ रहे होंगे, तुकोजी राव होलकर। और नेक्स्ट किसके बीच में हुआ, तो तुकोजी राव होलकर वर्सेस सिंधियाओं के बीच में हुआ था, जिसमें उस समय लीड कर रहे थे महाजी सिंधिया। कौन लीड कर रहे थे, महाजी सिंधिया। कहाँ हो रहा है बैटल, पुणे में हो रहा है। किस किस के बीच में हो रहा है, तुकोजी राव होलकर एंड महाजी सिंधिया के बीच में हो रहा है। इसके में तुकोजी राव होलकर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, और जीत किसकी होती है, महाजी सिंधिया की। तो तुकोजी राव होलकर की डेथ कहाँ पर हुई थी, पुणे में हुई थी। मल्हार राव होलकर की कहाँ हुई थी, भिंड में हुई थी। कहाँ हुई थी, भिंड में हुई थी। उसके अलावा आपने देखा है यहाँ पर देवी अहिल्याबाई होलकर महेश्वर में, तुकोजी होलकर पुणे में। तो ये इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट चीज है। तो देवी अहिल्याबाई होलकर को सक्सीड कर उनके सोल्जर आए जिनका नाम क्या है, तुकोजी राव होलकर। यहाँ तक बातें क्लियर, ठीक है। अब उसी सोल्जर के दो एडॉप्टेड बच्चे रहेंगे, जिसमें एक का नाम है काशीराव होलकर और दूसरे का नाम है यशवंत राव होलकर। ज्यादा फेमस नाम जिसका सुना है, यशवंत राव होलकर, बहुत ही बढ़िया। सो तुकोजी राव होलकर के बाद सक्सीड करता है उनका बेटा जिसका नाम रहता है काशीराव होलकर। काशीराव होलकर जो है वो ज्यादा लंबे समय यहाँ पर रूल नहीं कर पाता है। काशीराव होलकर जो है ये सिंधियाओं की मदद से यहाँ पर जो है आ गया था, बट आने वाले समय में उसको सक्सीड कर कौन आ जाएगा, यशवंत राव होलकर। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है होलकर्स में, आपको इनका नाम याद रखना है। अगला कौन आया, यशवंत राव होलकर। कौन है यशवंत राव होलकर, एडॉप्टेड सन ऑफ तुकोजी राव होलकर। चीजों को कनेक्ट करो, घर जाके तो बाद में करेंगे ही रिवाइज। तुकोजी राव होलकर का बेटा आ गया कौन, यशवंत राव होलकर। बहुत ही ब्रेव हुआ करता था और इसका नाम आप एंग्लो मराठा वॉर में भी सुनोगे, इसीलिए स्टोरी को कनेक्ट करेंगे हम यहाँ से। नेक्स्ट कौन आया, यशवंत राव होलकर। यशवंत राव होलकर जो है तुकोजी राव होलकर के बेटे हुआ करते थे। बहुत ही ब्रेवरी से इन्होंने काम लिया था। पुणे के पेशवा के साथ भी इन्होंने फाइट करी थी। क्यों करी थी अभी बताती हूँ। इनके अगेंस्ट में सिंधिया वगैरह भी हो गए थे। एक्चुअल में जब तक यशवंत राव होलकर का टाइम पीरियड आया तब तक मराठाओं के बीच में मन मुटाव हो चुका था, जिसमें एक साइड पर इंदौर से अकेले कौन खड़े थे, होलकर। वर्सेस अगर हम बात करें तो पुणे में कौन बैठा हुआ है, मराठास में पेशवा बैठे हुए। और ये पेशवाओं के उस समय बोलते हैं ना, जब भी हमारी किसी से लड़ाई होती है तो कोई किसी का बहुत ज्यादा सगा हो जाता है, तो पेशवाओं जो है इनको यहाँ पर ज्वाइन कर लिया था सिंधियाज ने। किसने ज्वाइन कर लिया था, सिंधियाज ने। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, स्लाइड्स को नहीं पढ़ना है। यशवंत राव होलकर के टाइम पीरियड में पूना के पेशवा और होलकरों के रिलेशन स्पॉइल हो चुके थे। होलकर अपनी जगह खड़े थे अकेले, और उधर साइड पे कौन थे, पेशवा में मराठा, मराठाओं में पेशवा, एंड सिंधिया भी उनको ज्वाइन कर रखा था। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। अब अगर हम बात करें यशवंत राव होलकर की तो क्या क्या किया है, तो थोड़ी देर पहले आपने कैपिटल शिफ्टिंग देखी, कहाँ देखी, इंदौर। आ गए हम इंदौर, ठीक है। इनिशियल कैपिटल बता दो मुझे, इंदौर। फिर देवी अहिल्याबाई कहाँ ले गई, महेश्वर। फिर महेश्वर से इंदौर कौन लाया, तुकोजी राव होलकर, वेरी गुड। इंदौर के बाद महेश्वर कौन ले गया, देवी अहिल्याबाई। फिर महेश्वर से इंदौर कौन लाया, तुकोजी राव होलकर। अब तुकोजी राव होलकर के बाद आपको नेक्स्ट उनका बेटा देखने को मिलेगा जिसका नाम है यशवंत राव होलकर। इसने भी कैपिटल शिफ्टिंग करी, बट क्यों करी, तो हम अभी स्टोरी से इसको बनाते हैं। तो ये बहुत ही ब्रेव हुआ करते थे, इनकी ब्रिटिशर्स वगैरह के साथ भी फाइट हुई, मराठाओं के साथ भी फाइट हुई, इसीलिए इन्हें नेपोलियन ऑफ सेंट्रल इंडिया भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, नेपोलियन ऑफ सेंट्रल इंडिया,
या बुक्स में तुम्हें किस नाम से मिलेगा? नेपोलियन ऑफ मध्य भारत। समझ में आया? मध्य भारत क्यों बोला मैंने? क्योंकि अपना होलकर वहीं पर आता है। ठीक है, सो आपको बुक में जब भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो मैंने दो तीन जगह देखा है बुक में गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई है, नाम में कन्फ्यूजन होता है, तो स्टोरी से याद रखना कि नेपोलियन ऑफ सेंट्रल इंडिया किसको बोलते हैं? यहाँ पर यशवंत राव होलकर को बोलते हैं। अब क्या क्या काम हुआ इनके टाइम पीरियड में, तो देख लेते हैं कि सबसे पहले तो इनको एक टाइटल से नवाजा गया है। इनको टाइटल बोला गया है राजेश्वर अली जाह बहादुर। क्या बोला गया है? राजेश्वर अली जाह बहादुर। ये टाइटल किसने दिया था? तो ये टाइटल मुगल एम्परर शाह आलम टू ने दिया था। किसने दिया था? शाह आलम टू ने। तो आपको याद रखना है राजेश्वर अली जाह बहादुर का टाइटल किसको मिला है? यशवंत राव होलकर को। किसने दिया था? शाह आलम टू ने दिया था। अब क्या क्या है इनकी लाइफ के इंसिडेंट्स, तो देख लेते हैं। सो मैंने आपको बताया इनके टाइम पीरियड में इनके रिलेशन मराठाओं से या सिंधियाओं से क्या हो गए थे? खराब हो गए। अब क्या हुआ? तो हुआ ये यहाँ पर कि इस समय पूना में पेशवा बदल चुका है, और पेशवा बदलकर आ चुका है बाजीराव सेकंड। कौन आ गया है? बाजीराव सेकंड। और शुरुआत में मैंने आपको इस व्यक्ति के बारे में एक बात बताई थी, क्या? मराठाओं का पतन इसी ने करवाया था। तो पूना में कौन आ गया? बाजीराव सेकंड, जो कि कौन है? पेशवा। और इसकी अभी किससे बहुत ज्यादा बन रही है? सिंधियाओं से बन रही है। यहां तक बात क्लियर? ठीक है। सो क्या हुआ कि यहाँ पर जब है मराठा कॉन्फेडरेसी बहुत ही वीक हो गई थी, कि बाजीराव सेकंड कुछ भी यहाँ पर डिसीजन लेता था तो लोग उससे बहुत ही परेशान थे, जिसके चलते यशवंतराव होलकर का एक छोटा भाई हुआ करता था जिसका नाम था विट्ठू जी। क्या नाम था? विट्ठू जी। जिन्होंने मुझसे एंग्लो मराठा वॉर पढ़ा उनको याद होगा क्या पढ़ाया था? विट्ठू जी। सो ये जो विट्ठू जी नाम का व्यक्ति है, इनका भाई है, ये एक्सपीडिशन पे निकल गया और अपने इंदौर से निकलकर अपनी रियासत को छोड़ते हुए पूना में घुस गया, और पूना में जाकर उनकी टेरिटरी में इसने एंटर कर लिया। जब एंटर कर लिया तो पेशवा कौन है इस समय? बाजीराव सेकंड। और इसको एडवाइस देने वाला कौन है? सिंधिया। तो जो पेशवा में बाजीराव सेकंड और सिंधिया, इन लोगों ने मिलकर डिसीजन लिया कि जो विट्ठू जी नाम का व्यक्ति है इसको हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया जाए। एज ए रिजल्ट विट्ठू जी की क्या हो गई? डेथ हो गई। विट्ठू जी की डेथ हो गई मतलब होलकरों पे तो कलंक लग गया कि आपका भाई यहाँ पर मारा गया, बदला लेने कौन आएगा? यशवंत राव होलकर। कनेक्ट हो पा रहा है? ठीक है। यशवंत राव होलकर जो है वो बदला लेने के लिए जाएंगे। अब बदला लेना है, उसके पहले एक चीज हो जाती है कि जब यशवंत राव होलकर यहाँ से ढूंढने के लिए किसको निकला? पेशवा बाजीराव सेकंड को, और वो कहाँ पर बैठा हुआ है? पुणे में बैठा हुआ है। तो इसको ये बात समझ में आ गई कि अगर ये यहाँ आ गया तो मुझे तो मार दिया जाएगा, तो मैं क्या करूँ? तो भाग कर जाते हैं दुश्मनों के पास और उनसे मदद मांगते। तो अधिकतर ये लोग भाग कर जिनके पास जाते थे वो होते थे ब्रिटिशर्स। तो ये जो यहाँ पर पेशवा है ये किसके पास भाग के गया? ब्रिटिशर्स के पास भाग के गया, और इसने बताया कि होलकरों में यशवंत राव होलकर जो है वो मुझे ढूंढने निकला है और मेरी मदद कीजिए। सो मदद करने के लिए अंग्रेजों ने बोला कर देंगे मदद, बदले में हमसे ट्रीटी करो। एज अ रिजल्ट बाजीराव सेकंड ने एक ट्रीटी करी, जिसको क्या बोला गया? ट्रीटी ऑफ बसीन। कब करी? 1802 में करी। सो 1802 में इसने एक ट्रीटी करी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ बसीन। और इस ट्रीटी ऑफ बसीन में एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि इसने यहाँ पर एक चीज साइन कर दी थी, दैट वॉज सब्सिडरी अलायंस। क्या साइन किया? सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस के तीन मतलब होते थे, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले आपको अपनी आर्मी को क्या करना है? बैन करना है, डिसबैन करना है। दूसरा, अगर हम बात करें तो कोई भी अदर यूरोपियन अदर देन ब्रिटिशर आपकी सर्विस में नहीं होगा। एंड थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट क्या था यहाँ पर? यस, नो ट्रीटी विथ एनी अदर यूरोपियन। तो इसने क्या करा? मराठाओं के हाथ कटवा दिए। किसने कटवा दिए? बाजीराव सेकंड ने। तो फिलहाल के लिए तो सिंधिया इसके साथ है, बट इनको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा कि अरे ये क्या डिसीजन ले लिया यहाँ पर बाजीराव सेकंड ने। सो 1802 में बाजीराव सेकंड ने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर कौन सी ट्रीटी करी थी? ट्रीटी ऑफ बसीन, जिसके चलते उसने क्या साइन किया? सब्सिडरी अलायंस, कि पूरे मराठाओं का जितना भी राइट्स है वो सब किसको सरेंडर कर दिए? ब्रिटिशर्स को। मराठाओं को ये बात समझ में आई कि क्या काम कर दिया इसने। सो एज अ रिजल्ट मराठाओं ने डिसाइड किया कि हम लोग ब्रिटिशर्स के साथ क्या करेंगे? फाइट करेंगे। और फाइनली यहाँ पर बैटल होता है जिसको बोलते हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। क्या बोलते हैं? सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। चलो, ट्रीटी कब करके आया ये? 1802 में। क्या हुआ उससे कनेक्ट? सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, ये होगा आपका 1803 से लेकर 1804 के बीच में। मराठाओं को समझ में आ गया कि ये तो हमारे पूरे के पूरे राइट्स सौंप आया उनको। सो इन्होंने डिसाइड किया हम ब्रिटिशर्स से क्या करेंगे? फाइट करेंगे। और क्या होता है? एंग्लो मराठा वॉर। एंग्लो मतलब ब्रिटिशर्स हो गए और मराठा मतलब सब मराठा हो गए।
अब क्या हुआ, तो सभी मराठा यहाँ पर लड़ रहे हैं। मराठाओं में आपने किस किस के नाम सुने बोलो फटाफट। सिंधिया, भोसले हो गए, देन होलकर्स हो गए, गायकवाड़ हो गए, और पुणे में पेशवा हो गए। यहाँ तक चीज क्लियर? ठीक है। अब सबको मिलके किससे लड़ना है? ब्रिटिशर्स से लड़ना है। तो सब अपनी अपनी जगह लड़ रहे थे, बट यशवंत राव होलकर ने डिसाइड किया मैं अपनी लड़ाई जो है सेपरेटली ही करूंगा। तो सेपरेटली ये भी अपना लड़ने जाते हैं, उधर से भोसले भी आते हैं, उधर से सिंधिया भी आते हैं, सब मिलकर किससे लड़ते हैं? ब्रिटिशर से। एंड सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के अंदर मराठाओं की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। मराठाज वर डिफीटेड। और डिफीट होने के बाद क्या करना पड़ता है? ट्रीटी। यहाँ तक बात क्लियर? ठीक है भाई, अब ट्रीटी कर लेते हैं। तो ट्रीटी में आपको ट्रीटीज के नाम यहाँ पर याद रखने हैं कि ट्रीटीज की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी ट्रीटी यहाँ पर होती है। तो यशवंत राव होलकर ने एक ट्रीटी करी जिसको क्या बोला गया? ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट, जो किसका अंजाम हुआ करती थी? सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की। बात समझ में आ रही है? ठीक है। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद यहां पर ट्रीटी करनी पड़ी जिसका नाम क्या है? ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट। कौन सी ट्रीटी करी इन्होंने? ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट। जब ट्रीटी करी है तो ये तो वही दे पाएंगे जो इनके पास में होगा, और इनके पास में अभी क्या है? ये आपका मालवा वाला एरिया है। तो इस ट्रीटी के चलते यशवंत राव होलकर ने कुछ पर्टिकुलर एरिया सरेंडर कर दिए थे। कहाँ के? तो जो चंबल का नॉर्थ वाला एरिया है वो पर्टिकुलर एरिया, प्लस बुंदेलखंड वाला एरिया जो है वो इन्होंने अब किसको सौंप दिया था? यहाँ पर ब्रिटिशर्स को सौंप दिया था। ठीक है, अब याद करो वो पहला लेक्चर जो मैंने आपको पढ़ाया था, फॉर्मेशन ऑफ एमपी। समझ में आया कि मराठाओं से किसके हाथ में गया था? ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया था नॉर्थ वाला एरिया। तो यहाँ पर इन्होंने जो ट्रीटी करी उसका नाम क्या है? ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट। उसके अलावा मैंने आपको बताया बाकी सब मराठा भी लड़ रहे हैं किनसे? ब्रिटिशर्स से। तो सबने अलग अलग ट्रीटी करी। फॉर सपोज अगर मैं बात करूं, यहाँ पर बात करें हम भोसले की, तो भोसले ने जो ट्रीटी करी थी उसका नाम था ट्रीटी ऑफ देवगांव। क्या नाम था? ट्रीटी ऑफ देवगांव। फिर अगर हम बात करें सिंधियास की, तो सिंधियास में आपको याद रखना है ट्रीटी ऑफ सूरज, नहीं सूरज अंजनीपुर, या अंजनी गांव बोलते हैं, ट्रीटी ऑफ सूरज अंजनी गांव। ये किसने करी थी यहाँ पर? सिंधियाओं ने। कैसे याद रखोगे? एस से सिंधिया और एस से सूरज अंजनी गांव की संधि। फिर अगर हम बात करें यशवंत राव होलकर ने क्या करी है? राजपुर घाट की संधि करी है। भोसलों ने क्या करी है? ट्रीटी ऑफ देवगांव। तो ये सारी ट्रीटी कौन से बैटल के बाद हुई थी? सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। यहाँ तक चीजें क्लियर? ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट यशवंत राव होलकर, इनकी लाइफ के क्या क्या मेजर इवेंट रहे। इनकी ब्रेवरी की वजह से ही इनको क्या बोला गया? नेपोलियन ऑफ सेंट्रल इंडिया। अभी ट्रीटी कर दी, सब कुछ हो गया, जो एरिया गवा सकते थे गवा दिया। अब क्या करें? तो चलो यहाँ से सामान उठाकर हम क्या कर लेते हैं? कैपिटल शिफ्टिंग। कहाँ पर थे हम फिलहाल? इंदौर में। अब इंदौर से कहाँ चले? तो इंदौर से चलते हैं भानपुरा। बताओ कहाँ आता है भानपुरा? मंदसौर। वेरी गुड। तो भानपुरा कहाँ आएगा? मंदसौर में। वो मंदसौर में कैपिटल शिफ्टिंग भानपुरा में किसने करी थी? यशवंत राव होलकर ने करी। वहीं पर इन्होंने एक तोपखाना भी बनवाया था जिसको मॉडर्न कैनन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ये हो गया यशवंत राव होलकर के बारे में। अब यशवंत राव होलकर जो है इनको कौन सक्सीड करेगा? तो इनको सक्सीड करेगा इनका बेटा जिसका नाम क्या है? मल्हार राव होलकर सेकेंड। फर्स्ट कौन था? फाउंडर। वेरी गुड। फाउंडर के बाद अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यशवंत राव होलकर जो है उनका बेटा आएगा जिसका नाम रहेगा मल्हार राव होलकर सेकेंड। अब ये इनका एक छोटा सा 4 साल का बेटा हुआ करता था। चूंकि 4 साल का बेटा है तो वो खुद तो रूल नहीं कर सकता, तो उसके बिहाफ पे जो उसकी प्रोटेक्टर होती थी उसकी मदर, उनका नाम क्या था? तुलजा बाई। तो तुलजा बाई जो है वो यहाँ पर इस रियासत को संभाल रही थी, और ये बात ब्रिटिशर्स भी ऑब्जर्व कर रहे थे। तो यहाँ पर आपने थोड़ी देर पहले कौन सा वॉर पढ़ा था? सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर पढ़ा था। चीजों को कनेक्ट करो। तो यहाँ पर ये छोटा सा 4 साल का बच्चा गद्दी पर बैठा जिसका नाम है मल्हार राव होलकर सेकेंड, ये बेटा तो ये नहीं संभाल सकता, तो इसके बिहाफ पर इसकी मदर रूल कर रही है जिनका नाम क्या है? तुलजा बाई। तो ब्रिटिशर्स को ये बात पता चली कि यहाँ पर जो है तुलजा बाई जो है चीजों को संभाल रही है। तो ब्रिटिशर्स ने एक पिंडारी हुआ करता था, उस पिंडारी के साथ हाथ मिलाया और इन तुलजा बाई का मर्डर करवा दिया, एंड तुलजा बाई की क्या हो गई? डेथ हो गई। अब कौन बैठा गद्दी पर? मल्हार राव होलकर सेकेंड। उन्हें ही सब चीजें संभालनी है। तो इनके टाइम पीरियड में एक मेजर इवेंट हुआ था, दैट वॉज थर्ड एंग्लो मराठा वॉर।
थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो है वो किसके टाइम में हुआ था? मल्हार राव होलकर के सेकंड के टाइम में हुआ था। और यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा कि इस बैटल में भी क्या होती है, इनकी हार होती है। मराठा जो है इस बैटल के अंदर हार जाते हैं। एंड ये जो है ये भी अगेन कैपिटल शिफ्टिंग करेंगे। ये बैटल कब हुआ है बोलो? ठीक है, ये मेजर ईयर याद कर लो, क्या नाम है इसका? 1818। अभी तक कैपिटल कहाँ है? भानपुरा मंदसौर पे। 1818 एक ऐसा डिसाइसिव ईयर था जिसके बाद होलकरों की कैपिटल जो है वो शिफ्ट होकर वापस कहाँ आ गई? इंदौर में आ गई। सो आपको ये याद रखना है। चलो इनिशियल कैपिटल बोलो फटाफट, इंदौर। इंदौर से कैपिटल कहाँ गई? महेश्वर। किसके टाइम में गई? देवी अहिल्याबाई के टाइम पीरियड में गई। फिर महेश्वर से वापस कहाँ आई? इंदौर। किसके टाइम में आई? तुकोजी राव। याद रखो ना, इनके सोल्जर नहीं तो क्या किया, सक्सीड किया, तो फिर कहाँ आ गई? इंदौर आ गई। फिर इंदौर से आपको देखने को मिला नेपोलियन, कौन है? यशवंत राव होलकर। यशवंत राव होलकर जो है ये इंदौर से वापस कहाँ ले गए? भानपुरा मंदसौर। फिर यशवंत राव होलकर के बाद कौन आया? मल्हार राव सेकेंड। मल्हार राव सेकेंड जो है ये वापस कैपिटल को कहाँ ले आए? इंदौर। तो ये खेल आपको याद रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि किसके समय में कैपिटल कहाँ पर हुआ करती थी, ले दे के इंदौर नहीं लगा देना है। तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो है इनके टाइम पीरियड में यहाँ पर हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करें इनका क्या मेजर रोल रहा है, तो 1817 में इन्होंने एक बैटल लड़ा था। ये महितपुर कहाँ आता है? उज्जैन में आता है। तो कौन सा बैटल हुआ था? बैटल ऑफ महितपुर हुआ था। और इससे एक ट्रीटी हुई थी जिसका नाम क्या था? ट्रीटी ऑफ मंदसौर। चलो इसमें भी एक कनेक्टिविटी मिल गई। ठीक है, फाउंडर कौन था? मल्हार राव होलकर फर्स्ट। और जो आपका होलकर रियासत है वो कम्प्लीटली ब्रिटिशर्स के अंडर में इंदौर चला गया था। किसके टाइम में? मल्हार राव होलकर सेकेंड। वेरी गुड। तो इससे आपको याद रखना है वो कौन सी ट्रीटी थी? ट्रीटी ऑफ मंदसौर, जिससे इंदौर जो है वो कम्प्लीटली किसके अंडर में चला गया? ब्रिटिशर्स के अंडर में चला गया। मतलब मल्हार राव होलकर फर्स्ट ने नींव रखी और सेकेंड के टाइम में सौंप किसको दिया? ब्रिटिशर्स को। तो ये चीज़ें आपको मेनली जो है यहाँ पर याद रखनी है। यशवंत राव होलकर के टाइम पीरियड में कौन सा वॉर हुआ था? सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। अब ख़त्म ही कर रहे हैं तो कौन से बैटल से कर देंगे? थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। क्या इंपॉर्टेंट है? तो मल्हार राव होलकर के नाम में ही आपको मल्हार दिख रहा है, तो इन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया है? तो इन्होंने इंदौर में मल्हारगंज इस्टेब्लिश किया है। क्या इस्टेब्लिश किया? मल्हारगंज। अदर देन दिस अगर हम बात करें तो इन्होंने इंदौर में एक एरिया बनाया जिसको बोला गया पंडरीनाथ। घूमते हुए दिखता होगा, कभी नोटिस नहीं किया होगा, आप सब देखना ये क्या है? पंडरीनाथ। और ये पंडरीनाथ भी किसने इस्टेब्लिश किया था? मल्हार राव होलकर ने इस्टेब्लिश किया। यहाँ तक मेजर मेजर रूलर थे। इसके बाद कुछ वीक सक्सेसर आएंगे, कुछ खास नहीं है। उनके बाद सक्सीड किया उनके एडॉप्टेड बेटे ने, जिसका नाम क्या है? मार्तंड राव होलकर। नाम बस दिमाग में होना चाहिए, क्वेश्चन में दिख जाए तो समझ में आना चाहिए, नाम हमने सुना है। ये हुआ, ये ज़्यादा रूल नहीं कर पाया। इसके बाद यहाँ पर मल्हार राव होलकर सेकंड के भतीजा सक्सीड करेगा, नेफ्यू, जिसका नाम क्या है? हरी राव होलकर। इसके टाइम में भी कुछ खास नहीं हुआ। नेक्स्ट कौन आएगा? खांडे राव होलकर थर्ड। कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा तुकोजी राव होलकर या फिर जसवंत होलकर। सो आपने देखा अब ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो किसके अंडर में आ चुका है? ब्रिटिशर्स के अंडर में। मतलब अगर अब आपको किसी पोजीशन पे बैठना है तो आपको किसकी चमचागिरी करनी पड़ेगी? ब्रिटिशर्स की। तो ये जो यहाँ पर तुकोजी राव होलकर सेकंड था, ये विद दी सपोर्ट ऑफ ब्रिटिशर्स क्या बना था? यहाँ पर राजा बना था या फिर किंग बना था। सो इस वजह से ब्रिटिशर्स का साथ देगा। तो इसने जो है 1857 की रिवोल्ट में किसका साथ दिया था? ब्रिटिशर्स का। तो इंदौर से वो कौन सा रूलर था जिसने 1857 की रिवोल्ट में ब्रिटिशर्स का साथ दिया था? तुकोजी राव सेकेंड। फर्स्ट तो बहुत बढ़िया थे जो उनके सोल्जर थे, याद रखना है। उसके अलावा इन्होंने इंदौर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन लाया, पोस्ट ऑफिस वगैरह एस्टेब्लिशमेंट कराए, पोस्टल स्टैम्प बनवाया 1885 में। होलकर डायनेस्टी में तुमने पहला नाम किसका सुना जिसका फोटो पोस्टल स्टैम्प पे आया? देवी अहिल्याबाई। दूसरा नाम याद रखना है तुकोजी राव होलकर सेकेंड, जब इंडियन गवर्नमेंट ने इनके नाम पर पोस्टल स्टैम्प इनका क्या करा? फोटो प्रिंट करवाया। फिर इन्होंने इंदौर में रेलवे वगैरह एस्टेब्लिशमेंट कराए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नैन्सी सुन लो, इंदौर खंडवा रेल के लिए डोनेशन किसने दिया था? होलकरों ने दिया था। और वो कहाँ कौन थे? तुकोजी राव होलकर। ठीक है भाई, तो दिस इज ऑल अबाउट तुकोजी राव होलकर। तुकोजी राव होलकर को सक्सीड करेंगे शिवाजी राव होलकर। शिवाजी राव होलकर ने जो भी आप लोग मॉडर्न डे चीजें देखते हो वो एस्टेब्लिश करवाया, जैसे कि क्या बनवाया? लाल बाग पैलेस। अच्छी जगह घूमने जाया करो। और क्या बनवाया इंदौर में इन्होंने? जय विलास पैलेस भी बनवाया है।
ये जय विलास पैलेस आपको वहां भी दिखेगा ग्वालियर में, बट वही मेन है, उसी को याद रखना, इसको याद मत रखना, ठीक है। तो क्या बना, जय विलास पैलेस बना, उसके अलावा यहाँ पर लालबाग पैलेस बना, एंड ये क्या है, होलकर साइंस कॉलेज। ये अपनी कोचिंग से उधर के नीचे जाओगे तुझे दिखेगा वो किसने बनवाया है, शिवाजी राव होलकर ने, याद रखना है। ये हो गया, तो ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें थी। इनके बाद सक्सीड कर कर आएंगे तो कोजी राव होलकर थर्ड, कुछ खास नहीं है, हुकुमचंद मिल वगैरह, नवरत्न टेम्पल जो प्रेजेंट डे सेंट्रल म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। इंदौर में ही है। अच्छा, इससे एक चीज याद आई, देवी अहिल्याबाई म्यूजियम कहाँ है, देवी अहिल्याबाई महेश्वर, कहाँ है, महेश्वर, ये याद रखना है कुछ चीजें, और ऐसे ही क्वेश्चन फंसते हैं। तो ये हो गया इनके बारे में। फिर इनको फाइनली सक्सीड कर कर आएंगे कौन, यशवंत राव होलकर सेकेंड, यशवंत राव होलकर सेकेंड जो है यहाँ पर आएंगे, इन्हीं के बारे में सब चीजें इंपॉर्टेंट है। यशवंत राव होलकर की अगर हम बात करें तो यहाँ तक हम आजादी तक पहुंच जाएंगे, और ईयर आ जाएगा आपका 1947, कौन सा ईयर आ जाएगा, 1947। तो ये लास्ट रूलर थे किसके, होलकर डायनेस्टी के, एंड 1947 में हम क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। इंडिपेंडेंट होने के बाद डिसाइड हुआ कि प्रिंसली स्टेट्स को क्या ज्वाइन करना है, इंडियन यूनियन ज्वाइन करना है। सो फाइनली यहाँ पर होलकर रियासत का इंटीग्रेशन होता है, कौन से ईयर में, 1948 में, और उसे साइन जिन्होंने किया था वो कौन थे, यशवंत राव होलकर थर्ड, सॉरी सेकेंड। फिर से याद रखना है कि जब इंडियन यूनियन के साथ हमने साइन किया या ज्वाइन किया, उस समय में कौन रूलर हुआ करते थे, यशवंत राव होलकर सेकेंड, जिन्होंने यहाँ पर मर्जर के लिए डॉक्यूमेंट को साइन किया था, ये इंपॉर्टेंट हो गया। और एज वेल एज ये क्या है, लास्ट रूलर ऑफ होलकर डायनेस्टी भी है। कुछ फेमस चीजें बनी है इनके नाम पर, जैसे आपको इंदौर में देखने को मिलेगा यशवंत सागर, क्या देखने को मिलेगा, यशवंत सागर। तो यशवंत सागर भी जो है किसके नाम पर है, इन्हीं के नाम पे है। उसके अलावा एमवाई हॉस्पिटल का नाम सुना है, ठीक है, मेरा बर्थ इधर ही हुआ है ना, इसको एमवाई ये नहीं आएगा एग्जाम में, एमवाई हॉस्पिटल बोलते हैं। तो क्या फुल फॉर्म है, महाराजा यशवंत चिकित्सालय, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल। सो यहाँ पर भी किसके नाम पे बना है, यशवंत राव होलकर। एंड लास्ट वन इज होलकर स्टेडियम, होलकर स्टेडियम भी किनके नाम पे बना है, इन्हीं के नाम पर बना है। तो आज हमने कौन सी डायनेस्टी कंप्लीट करी, होलकर डायनेस्टी। ये होलकरों का शासन था, किसने क्या इंपॉर्टेंट चीजें करी वो हो गया, एंड यहीं से फिर अब आपका इंदौर डिवीजन स्टार्ट होगा। ओके okay?